जो मसानी शक्तियां होती हैं इनके 52 रूप होते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज की चरण मंगल कामना करते हैं। मित्रों, जब आप श्री मेहंदी को बालाजी दरबार में जा करके अर्जी चोला या उसारा तरकास कुछ भी लगा करके आते हैं, उसके बाद में बाबा जी आपको जो संकेत देना शुरू कर देते हैं, आपके संकट के बारे में आपको बताना शुरू कर देते हैं संकेतों के माध्यम से। यदि आपने संकेतों वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और सारे वाला वीडियो भी नहीं देखा है आपने तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जा करके यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो मित्रों, जब बाबा जी संकेत देते हैं आपको, तो कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि गुरु जी हमें तो संकेतों के बारे में जो है कुछ पता ही नहीं होता, हम संकेतों को आखिर क्या पहचानेंगे कैसे, आखिर बाबा जी क्या कहना चाहते हैं हमसे, क्या हमें सूचना देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं संकेतों के माध्यम से, तो आप हमें मार्गदर्शन कीजिएगा। तो देखिए, यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, इसीलिए मैंने बनाया है, और यह पहला पार्ट है, इसके बाद में और भी इसके पार्ट आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ समझाता रहूँगा, आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपके पास उन सभी वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे जो इसके बाद आगे आने वाले हैं। और मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यदि कोई हमारे नाम से या बालाजी महाराज के दरबार के नाम से कोई भी आपसे किसी प्रकार का पैसा मांगता है, जैसे कि आपसे बोले कि हम जो आपकी अर्जी चोला या दरखास्त या उसारा कुछ भी लगवा देंगे और आपका संकट कटवा देंगे, इस प्रकार से आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, तो मित्रों किसी की बातों में ना आए और किसी को भी एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है हमारे यहाँ की और बालाजी महाराज के दरबार की हर सुविधाएँ बिल्कुल निःशुल्क हैं, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं चलता। और हमारा वीडियो बनाने का यही एक मकसद है कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन देना और बाबा के बारे में सही सही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँचाना, जिससे कि आप ठग लोगों से बच सकें और अपना जो फजूल पैसा बचा सकें। आप जो है काफ़ी लोग हैं आजकल बाबा के नाम पर, बहुत लोग हैं कि इस प्रकार से पैसा मांगते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रख सकें हम लोग। और यदि आपका कोई कमेंट है किसी प्रकार का, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है अभी हमारे इस वीडियो से रिलेटेड आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज के वीडियो हम बात करेंगे मसानी शक्ति की। यदि किसी के ऊपर मसानी शक्ति है तो बाबा जी किस प्रकार से दिखाते हैं जो है, और मसानी शक्ति के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, कुछ बातें उसमें भी जानकारियां दी गई हैं शक्तियों के बारे में, कि यह शक्तियाँ किस प्रकार से आपको परेशान करती हैं, वह जानकारी हमने इस वीडियो में दे रखी है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको संकेतों में जो है बालाजी महाराज, भैरव बाबा, पेत्रा सरकार, इनमें से कोई भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर बंदर, काला कुत्ता, या फिर हाथी दिखाई दे रहे हैं, और इनके साथ में कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बदल बदल कर दिखाई दे रही हैं, जैसे कि खून, सांप, बैल, नदी, बच्चे, कंकाल, या फिर कोई भी इंसान जो है आपके साथ में गंदी हरकतें करता हुआ दिखाई देता है, तो यह मसानी शक्तियों के संकेत होते हैं। बाबा जी आपको बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर यह शक्ति है और यही शक्ति आपको जो है परेशान कर रही है, वह सारी जानकारी जो है बाबा इसी प्रकार से जो है आपको देते हैं। ये मसानी शक्ति के बारे में बताया है मैंने, और किसी के बारे में नहीं, औरों के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, ये और भी शक्तियों के लिए। और अगर किसी ने भेजा है तो वह शख्स दिखाई देगा आपको, वह तांत्रिक दिखाई देगा, जिस तांत्रिक के द्वारा भेजा गया है उसे, या फिर कहीं से लगा है, वो जगह स्थान दिखाई देगा आपको, ठीक है, वो एरिया दिखाई देगा, उस जगह को आपको पहचानना है, पहचान आपको करनी है, जो कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर गया था, ऐसी जगह पर कभी आप गए होंगे, वो जगह दिखाई देगी आपको कि इस जगह से जो है आपके साथ आया है। या फिर किसी ने भेजा है तो उस जगह का जो है नक्शा आपको दिखाया जाएगा, वो जगह दिखाई जाएगी, ना वो शख्स दिखाया जाएगा आपको, वो शख्स भी दिखाई देगा जिसने आपको भेजा है, ठीक है। कोई जलने वाले शख्स होते हैं, भेज देते हैं इन चीज़ों को ना आपसे जल करके, तो जो है वो शख्स भी आपको दिखाई जाएगा, और जो है कोई तांत्रिक द्वारा भेजा गया है तो उस तांत्रिक को भी दिखाएंगे बाबा जी आपको, है ना। और यदि किसी पीपल के पेड़ से लगा है तो जो है पीपल का पेड़ आपको दिखाई देगा, तो ऐसी चीज़ें आपको जो है दिखाई देंगी जो है। लेकिन
तो मैंने बताया इस शक्ति के बारे में, मसान शक्ति के बारे में, तो आपको ये चीज़ें जरूर ध्यान में रख लेनी है जो मैंने बताया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, आप इसे बाद में भी देख सकते हैं बार बार करके। याद रखिएगा जो मसान शक्तियाँ होती हैं इनके 52 रूप होते हैं और ये 52 प्रकार से जो है दिखाई देती हैं, 52 प्रकार से आपको दिखाई दे सकती हैं। इस प्रकार से जो मैंने आपको रूप बताए हैं, आपको तो मैंने थोड़े से ही बताए हैं लेकिन 52 प्रकार के रूप होते हैं इनके, और ये इसी प्रकार से जो है दिखाई देती हैं। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वह आने वाला है जिन के ऊपर। यदि किसी के ऊपर जिन है तो बाबा जी किस प्रकार से दिखाते हैं वह जानकारी हम जो है अगले वीडियो के माध्यम से देंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर सेलेक्ट करके रखिएगा जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।